दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ अर्धसैनों के बलों के विलय के बारे में। हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनमें ITBP, SSB, असम राइफल्स, CRPF, तो इस तरह कई 7-8 तरह के फोर्सेस हमारे कंट्री में हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनको हम कहते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, हमारी सरकार, मोदी सरकार, अब ये चाहती है कि सभी का विलय कर दिया जाए और एक स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्स, 7 लाख से ऊपर सोल्जर्स की एक तरह की आर्मी तैयार करी जाए, जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी और हर तरह की जिम्मेवारियों के लिए तैयार रहे। सबसे बड़ी बात है, उसके पीछे जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, उस हाई लेवल कमेटी को ये बताया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को, अर्धसैनिक बल जो हैं हमारे, उनको ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा अलर्ट और वेल बिल्ट बनाने के लिए, ज़्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाए। तो जो कमेटी है वो जून 2020 में अपनी रिपोर्ट देगी कि इनको विलय करने के, इनको मर्ज करने के क्या क्या लाभ हैं और क्या नुकसान हैं। सीमा सशस्त्र बल जो है ITBP में मर्ज करने की बात चल रही है, असम राइफल को ITBP में मर्ज करने की बात पहले ही चल रही है, तो क्यों ना सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को एकदम, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें आ जाते हैं, NSG कमांडोस, तो सभी तरह की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको मर्ज करके, उनका विलय करके एक फोर्स बना के पूरे कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, 7 लाख एम्प्लाइज़ की एक फोर्स दी जाए। और कमेटी को ये भी बताया गया है कि कुछ एज के बाद जो सिपाही लोग हैं हमारे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के सोल्जर हैं, उनको हार्ड ड्यूटी ना दी जाए। वो कितनी एज होनी चाहिए, किस एज के बाद हम उनको हार्ड ड्यूटी पर ना लगाएं, यानी कि बॉर्डर ड्यूटी पर या सख्त ड्यूटी पर ना लगाया जाए, तो यंग सोल्जर को आगे भेजा जाए। तो इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 30 जून 2020 को आएगी। तो विलय होने का क्या लाभ है, क्या नुकसान होता है, कमेटी 30 जून को क्या रिपोर्ट देती है, तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ये पहली मेरी वीडियो है जो मैं इतनी सी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। पहले भी मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस पर 2-3 वीडियो बनाई हैं, रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के बारे में और उनका जो कुछ और मिला था उनको अलाउंसेस के बारे में, तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो आज इतनी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, ये फ्री है। इसको दबाने से आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं वीडियो डालूंगा आपको अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कुछ और भी फैसले करने वाली है, तो वो मैं आप उसके बारे में वीडियो बताऊँगा। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।